अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो आज ये पेपर देख के सबको लग रहा होगा फरहीन कौन से टॉपिक पे बात करने आई हो आप। तो यस, पहली बात तो इस फोटो को, इस ये फोटो नहीं, ये लेमिनेशन है, तो इसको, इसके बारे में तो मैं बात करूँ क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे, बहुत से लोगों के क्वेश्चन यही थे कि फरहीन आप क्या 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 क्या, जो भी सवाल थे मैं आप सबको जवाब दूंगी। शायद चश्मा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है आपको भी, अगर शायद चश्मा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अपन फिर देखती हूँ मैं इसको। चलिए, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, है ना। अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली का नाम करना। फैमिली का इतना अच्छा नाम कर दिया फिर भी मम्मी है ना भाई, फिलहाल बहुत गुस्से में, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। चलिए, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक तो बनता है क्योंकि आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जहाँ से मैंने सीखा था, जहाँ से आप लोगों को भी शायद ये समझ आएगा कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे मेरी तरह आप लोग भी एक अच्छी ट्राई कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका क्योंकि आप लोगों को मेरे बारे में जानना था यही कि आप कितना पढ़े हो, आपकी, आपका एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर एज। चलिए ना, बात करते ना, बताते हूँ ना सब कुछ, एवरीथिंग। मेरी शादी सबसे बड़ा सवाल सबका आप यही है, मोस्ट ऑफ सबसे बड़ा सवाल शादी शादी शादी। एंड मेरी मम्मी फिलहाल 2 दिन से शादी के ऊपर लगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा ना आपने, तो चलिए मैं आपको मेरा क्वालिफिकेशन दिखाती हूँ। वैसे इस डिग्री को देख के क्या लग रहा है, ये डिग्री है, यहाँ पर मेरी सिग्नेचर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, ये है मेरी डिग्री। मेरा फ़ोटो देख रहे हो, कितनी छोटू सी मैं थी, ये मेरा फ़ोटो है, तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। एंड मैंने प्रिंसिपल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। एंड ये डिग्री है ना, खुद के पैसों की है, इसके पीछे बहुत मेहनत की है। जब भी मेरी फ़ीस का वक्त आता था, जब भी मुझे फ़ीस भरनी रहती थी, तो मैं हमेशा बहुत मेहनत करती थी, मैं मेहंदी लगाती थी बाहर जाके। एंड द जर्नी आई स्पेंड विथ माई सेल्फ, जो जर्नी मैंने निकाली है उसको देख के कभी भी रोना नहीं आता, बट अभी इसलिए रो रही हूँ क्योंकि यू नो वो एक स्ट्रगल था। पढ़ाई का जुनून होता है ना जिसके सर पे, वो मेहनत भी बहुत करता है, तो वही मेहनत मैंने भी की थी इस डिग्री के लिए। सफ़ेदा फरहीन बानू मोहम्मद साजिद। सो यस, नाम तो सिर्फ इस डिग्री पे है, बट आज इसी डिग्री की वजह से ये पहचान जो मुझे मिली है, वो कैसे मिली है मालूम है? ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें मैं हमेशा बहुत पावरफुल रही, मेरे मार्क्स भी बहुत अपर आते थे। एंड फर्स्ट डिस्टिंक्शन से मैं जब क्लियर किया मैंने एग्ज़ाम, तो बहुत प्राउड वाली बात थी वो। एंड यस, तो ये इसकी वजह से मैं कैसे ऊपर आई, इसकी वजह से मैं इसलिए ऊपर आई क्योंकि एजुकेशन की वजह से ही आप खुलते हो। मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मैं कैमरे के सामने ऐसा बोलूँ अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरहीन सफ़ेदा एंड आप सबका वेलकम, ऐसा मैं पहले बोलती थी। अब मैं कैसे आपको बोलती हूँ अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे फैमिली का नाम हो जाए। कितने इजीली मैं बोलती हूँ, ये कहाँ से सीखा है, कहीं से नहीं, ये एजुकेशन के ऊपर से आता है। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, तो आप में एक वो होना चाहिए कि आप बहुत ईजीली अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार ले। सो यस, मैं अपने अयान थोड़ा सा कम नीचे, थोड़ा धीमे बोला, मैं कभी भी वीडियोस बनाने में, कभी भी ये वो करने में, कभी भी बहुत हाई क्वालिटी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एकदम नॉर्मली किधर भी आगे खड़ी होकर बोलने लग जाती हूँ। दिस इज़ द वे आई एम, मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी हूँ, वही बताओ। लुक सीरियसली, आप फेक ज़िंदगी मत बताओ। देखो, मैंने इतने ही कम सालों में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और ये सब जो किया है, वो इसी वजह से किया है कि जो है वही बताना है, जो है वही दिखाना है। और बहुत से लोगों के सवाल थे ये भी कि आप YouTube से कितना पैसा अर्न कर लेते हो, YouTube से आपको कितना पैसा मिलता है, आप YouTube से कैसे अर्निंग्स करते हो। तो पहली बात तो मैं बता दूं, जो मेरा पहला YouTube चैनल था उससे मैंने बहुत सालों मेहनत की, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं आया, बावजूद मेहनत जारी
आज भी उस पर 17,000 सब्सक्राइबर्स है, बट यस कुछ नहीं हो रहा उस पर। ये जो चैनल है सफेदा 07, इस पर मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, तब जाके $100 कंप्लीट होते हैं। एंड इतनी मेहनत, जिसको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा फैली यू आर डूइंग सो मच। मैंने कभी भी लाइफ में हार नहीं मानी। मुझे कोई ये नहीं बोल सकता है कि फरहीन यार तू, अगर तेरे साथ कोई नहीं रहा ना तो भूखी रह जाएगी। मैं अपने आप को बहुत ही ऐसे मैं अपने पीठ पे ऐसे हाथ फेर के बोलती हूँ कि इफ़ नो बडी इज़ विद मी आई विल बी हैंडल माई सेल्फ वेरी वेल। पता है ये दुनिया है, मुझे बहुत बार तकलीफ़ें मिली है, मुझे बहुत बार लोगों ने धक्का दिया है, और मैं जहाँ रहती हूँ, ये जो घर देख रहे हो, बड़ी मेहनत से खड़ा किया मेरी अम्मी ने, और मेरी अम्मी के दो अल्फाज मुझे आज भी आते, बेटा मेहनत करो, चाहे वो $100 के लिए हो, चाहे वो ज़्यादा के लिए हो। एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ, सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पहचान के लिए काम कर रही हूँ, तो इसी बात पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है दिल से, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी आपसे फेक लाइफ शेयर नहीं की, और मैंने कभी भी आपको मेकअप, अच्छे कपड़े और ये सब पहन के ये नहीं बताया कि मैं अमीर हूँ। तो अगर आपको भी एक यूट्यूबर बनना है, अगर आप भी चाहते हो कि आप एक लेवल पर आओ, अपने अल्फाज दिल से निकालो। मुझे लोग सुनते क्यों हैं इतने घंटों तक, इतने मिनटों तक, बिकॉज मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, एंड लास्ट के जो 3 साल थे अपनी मेहनत से मैंने पढ़ाई की है। मैं मेहंदी कब से लगा रही हूँ, फ्रॉम द 2014 से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। क्या उसी टाइम से मेरे पैसे आना स्टार्ट हो गए थे मेहंदी से? यस, 100 रुपये 50 रुपये लोग दे देते थे, बट जैसे जैसे प्रोफेशनल में बनती गई वैसे वैसे पैसे भी ज़्यादा आने लग गए। रिसेंटली मैं कतर से वापस रिटर्न हुई हूँ, एक बार ओमान जाके आई हूँ। ओमान में मैंने 50,000 की 3 दिन मेहंदी लगाई थी, और कतर में मैंने 30,000 की मेहंदी लगाई है। एंड रिसेंटली मैं अभी वहीं पर थी, इसीलिए मैं अपडेट नहीं थी यूट्यूब पर ईद के टाइम पे। तो ये होता है, अपने काम से मोहब्बत मुझे बहुत है। लोग ज़िंदगी में कभी भी कुछ बनना है ना, ऐसे लोगों के वीडियोस देखो, ऐसे लोगों को देखो जिन्होंने तकलीफ़ें सही हो। ऐसे लोगों के वीडियोस मत देखो जिनकी लाइफ ऑलरेडी सेट है, जो ऑलरेडी बंगलों में हैं, जो ऑलरेडी ऐसी ऐसी बिल्डिंगों में हैं, जो बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके वीडियोज़ देख के आपको कभी भी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में एक अपर एंड पर आओ, आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ कुछ करो, तो ऐसे लोगों के वीडियोस देखो ना जो बताए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर आपको भी एक यूट्यूबर बनना है ना, पहला काम आप ये करो, एक अच्छा फ़ोन। मेरे पास आईफोन 11 है आज भी। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, उनके पास 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स या 1 लाख फॉलोअर्स में भी iPhone 15 Pro Max या 3 कैमरे वाला फ़ोन होगा। मेरे पास आज भी iPhone 11 है, और मुझे कभी भी तकलीफ नहीं होती ये बोलने में कि मेरे पास आज भी iPhone 11 है, यही है। कोई मैं क्या बोलूँ आपको कि भाई मेरे पास 15 Pro Max है, नो। अच्छा इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगी इतना कि मैं लूँगी, तो चलिए ना आप मेरे को सपोर्ट करें, आप अपनी फैमिली में सबके फ़ोन से मुझे सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जल्दी से 1 मिलियन हो जाए, क्योंकि मेरी फैमिली को बड़ी खुशी मिली थी सिल्वर प्ले बटन पर। तो लाइफ में ना मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कैसे निकलना है उसका सॉल्यूशन भी निकाला। जैसे अभी मेरे अल्फाज ऐसे ऐसे निकल गई, उसको सुधारो। लुक सीरियसली, मैं कैमरे के सामने एक ऐसी इंसान बन जाती हूँ ना, जैसे कि मुझे कोई सुन रहा है बहुत मोहब्बत से। तो आप ये देखो ना कि आपको कोई बहुत मोहब्बत से सुन रहा है, इसीलिए आपके अल्फाज बहुत खूबसूरत निकलेंगे। हमेशा याद रखें कि आपको कुछ बनना है ना, उसके लिए आपके पास अच्छा घर हो या ना हो, आपकी ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए, आप अमीर हो या ना हो, आपका दिल अमीर होना चाहिए, आपके पास कुछ चीज़ें बड़ी हो या ना हो, आपके पास बोलने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। किसी के दिल में जगह बनानी है तो आपकी मुस्कुराहट ही काफ़ी है, ये मैं मानती हूँ। तो मेरी एज के बारे में भी आपको ये जानना था ना,
आई एम जस्ट 25 जस्ट. अच्छा ऐसे मेरे फेस से आपको क्या लगता है मैं कितनी एज की हूँ? एंड यस 25 कंप्लीट है. और रिसेंटली मम्मी शादी के ऊपर बहुत कमेंट्स करते हैं और मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाती, मैं उनको कुछ बोल नहीं पाती, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है अभी लाइफ में सबसे बड़ा जो ड्रीम है मक्का जाने का, उमरा करने का, वो ड्रीम अभी उसके ऊपर मेहनत जारी है. बहुत से लोग पूछते हैं सही ना बार बार क्यों रोते हो, तो मैं बार बार इसीलिए भी रो देती हूँ, बिकॉज होता है ना एक इंसान अकेले मेहनत करता है, वो अपने लिए खड़ा है, वो अपने लिए करता है, उसको खुशी मिलती है. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब लोग सपोर्ट करें, ये ज़रूरी है. बहुत से लोग मुझे हेट भी करते हैं पता है, बट कोई बात नहीं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हेट करते हो, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी. सो मेरे बारे में और कुछ जानना है क्या आपको? कमेंट बॉक्स में बताना, बताना, मैं जवाब दूँगी हमेशा. ये जो आंसू देख रहे हो आंखों से तो नीचे आए हैं, लेकिन चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना वो बताती है कि आई एम स्ट्रॉन्ग. दिल से भले ही कमज़ोर हूँ लेकिन लाइफ के हर पन्नों में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है वरना दुनिया आपको खेल लगाएगी, एंड आप खेलते रहोगे. खेलना नहीं है, खुद अकेले रहो. ज़िंदगी में जीतना है, कुछ करना है तो अकेले रहो, चलते जाओ. देख ली ना डिग्री, पता चल गया ना मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ. एंड फ्रॉम द लास्ट 2 साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाती हुई थी ट्यूशन में. मुझे अपने काम से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा बोलूँ ना, मैंने बड़ी मेहनत की है हर चीज़ में. 5,000 रुपये के लिए मैं कितनी मेहनत करती थी वो सब मैं बातें नहीं बोलूँगी. बट लाइफ में होता है ना, काम नहीं करोगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. बहुत से लोग मुझे बोलते हैं फरीन हम लड़कियां क्या करें, तो आप कुछ तो करो. आपको कुछ नहीं समझ आता मुझे पूछो ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी. पूछो लड़कियां लोग सभी लोग, आपको कुछ नहीं समझ आता मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो. फिर मिलेंगे, ज़्यादा रो लिया, समझ आ गया ना. 25 की मेरी एज है, मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के साथ कंप्लीट है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आई एम अ टीचर. मैंने पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया है, PSI का एग्ज़ाम भी दिया है, और बहुत से लोगों के सपने भी थे. ज़्यादा रो लूँगी अब मैं, घर आ गया है मेरा दिल. चलिए फिर मिलेंगे. आपके कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा. एंड इंशाल्लाह मैं कैसी हूँ, क्या मैं आपको फेक लगती हूँ, क्या मैं सही लड़की नहीं हूँ, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे देख के आपको क्या महसूस होता है. चलिए, थैंक यू, अस्सलामुअलैकुम.